देखो मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है ये देखो, एक केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन वन एंड ओनली वन स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। पहले तो ये समझ लो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, जो एक स्टेप में कंप्लीट हो। वाइल ए केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द सिक्वेंस ऑफ टू और मोर देन टू स्टेप्स इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन। जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप हो वो क्या होगी, कॉम्प्लिकेटेड, और जो सिंगल स्टेप में हो जाए उसे अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। द सिक्वेंस ऑफ स्टेप थ्रू विच ए कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन में जैसे कोई दो स्टेप में हो रही है, तो वो जो दोनों स्टेप हैं वो कंप्लीट मिलकर उसको अपन क्या बोलेंगे, दोनों स्टेप को उस रिएक्शन का मैकेनिज्म बोलेंगे। ईच स्टेप इन ए मैकेनिज्म इज एन एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन। अब किसी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन में सपोज करो तीन स्टेप हैं, तो वो जो तीनों स्टेप हैं वो तीनों रिएक्शन जो होंगी वो क्या होंगी, अलग अलग क्या होंगी, एलिमेंट्री स्टेप होंगी, एलिमेंट्री रिएक्शंस की स्टेप होंगी उनकी, ठीक, मतलब सिंगल सिंगल स्टेप होंगे। अब देखो द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स और आयंस ऑफ द रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी, मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिएक्शन। जैसे देखो ये एक रिएक्शन है PCl5 gives PCl3 plus Cl2, तो बैलेंस इक्वेशन में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का, 1। तो इस रिएक्शन के होने के लिए PCl5 का 1 मोल होना जरूरी है, एक ही मतलब एक मॉलिक्यूल हो जाए या 1 मोल हो जाए, एक ही है PCl5 अकेला, उसका कोफिशिएंट भी कितना है 1, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 1, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल से ये रिएक्शन हो रही है। दूसरी है H2+I2 gives 2HI, अब HI के बनने के लिए एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का चाहिए और एक मॉलिक्यूल I2 का चाहिए, कम से कम चाहिए ना मिनिमम, तो कितने हो गए मिलकर 2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई 2, कि 2 मॉलिक्यूल से स्टार्ट होगी कम से कम। इसी तरह से 2NO+O2 gives 2NO2, तो 2 मॉलिक्यूल तो NO के चाहिए और एक किसका होना चाहिए कम से कम, O2 का, तो टोटल कितने हो गए 3। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ सब एलिमेंट्री रिएक्शन आर एज मेंशन बिलो, ये तो कर ही रखा है, यहाँ लिख रखा है ना, इक्वल टू द सम ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये समझ लो आप, तो किसी भी बैलेंस इक्वेशन में जितने भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखे हैं किसके, एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए किसके, रिएक्टेंट्स के, उनका जो सम होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी। देखो नाउ रिएक्शन विद मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 1, 2, 3 एक्सेट्रा आर कॉल्ड यूनिमोलिक्यूलर, बाईमोलिक्यूलर, ट्राईमोलिक्यूलर एक्सेट्रा रेस्पेक्टिवली। अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उस रिएक्शन को यूनिमोलिक्यूलर या मोनोमोलिक्यूलर भी बोल सकते हैं। अगर 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी रिएक्शन में तो बाईमोलिक्यूलर, और अगर 3 है तो ट्राईमोलिक्यूलर, ऐसे चलेगा। अब यहाँ देखो क्या लिख रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड एंड रिएक्ट साइमल्टेनियसली इज वेरी स्मॉल, हैंस द मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 इज नॉट ऑब्जर्व्ड। क्या मतलब है कि जो 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड करें, टक्कर हो उनमें आपस में, तो ऐसा प्रोबेबिलिटी, ऐसी संभावना बहुत कम होती है, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा कभी ऑब्जर्व नहीं होती या 3 से ज़्यादा वो नहीं हो सकती। ये देखो प्रोडक्ट कब बनता है, जब मॉलिक्यूल्स में आपस में कोलिजन होती है, यानी कि टक्कर होती है, एक्सीडेंट होता है। अब ज़्यादातर एक्सीडेंट 2 में हो जाएगा,
दो चीज़ों के बीच में दो कार आ रही हैं आपस में, एक्सीडेंट हो गया, या तीन हो गए, लेकिन ऐसे नहीं है कि पाँच पाँच सात सात हों जब ही जाकर वो कोई एक्सीडेंट हो। इसलिए कोलिजन जो है वो दो या तीन मॉलिक्यूल से ज़्यादा संभव नहीं होती, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी तीन से ज़्यादा कभी ऑब्जर्व नहीं होती, ये ध्यान रखना है आपको। मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी मे बी थ्री। अब देखो फॉर एग्जांपल कंसीडर द रिएक्शन 2NO+2H2। अब यहाँ मॉलिक्यूलरिटी आपको कितनी दिख रही है, चार दिख रही है, ठीक। और अभी अपन ने क्या बताया कि बियॉन्ड थ्री होना पॉसिबल नहीं है। तो 2NO+2H2 gives N2+2H2 which is complicated reaction and takes place in the sequence of following three steps। इसका मतलब ये रिएक्शन तो क्या हो गई, कॉम्प्लिकेटेड। अब ये एक स्टेप में तो हो नहीं रही, तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म ये दे रखा है। कैसे कि पहले वन मॉलिक्यूल NO का और दूसरा मॉलिक्यूल NO का दोनों आपस में रिएक्ट होकर डाइमर बनाते हैं क्या, N2O2, ठीक है। तो ये 2NO का तो क्या बन गया, N2O2, तो ये तो फास्ट रिएक्शन है। अब दूसरा स्टेप क्या है, N2O2 हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट होगा, वन से क्या बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O+H2O, ठीक। ये स्लो है। अब स्लो स्टेप जो होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, इसलिए इसको RDS लिखा है। देखो रेट क्या थी, कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो टाइम किस में, जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा उसी स्टेप को अपन कंसिडर करेंगे, जिसमें टाइम ही नहीं लगेगा अगर अपन उस पर डिपेंड करें तो दुनिया में सारी रिएक्शन क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। लेकिन रिएक्शन की रेट डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन की डिफरेंट डिफरेंट रेट होती है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होती है भाई, स्लो। यस, इसलिए मैंने लिखा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ एक्स्ट्रा देखो, पहले आप इस प्रोडक्ट में देखो क्या है, N2 और 2H2O। मैं मैकेनिज्म ही समझा रहा हूँ आपको। यहाँ क्या बना था, N2O2, यहाँ है क्या प्रोडक्ट में N2O2, नहीं है ना, तो इसको वापस रिएक्ट करवाओ, हटाओ यहाँ से इसको, राइट हैंड साइड से, प्रोडक्ट साइड से रिएक्टेंट में ले आओ, ठीक है। अब N2O2+H2, ये रहा H2 रिएक्टेंट, तो क्या बन रहा है, N2O+H2O। अब यहाँ देखो N2O+H2O क्या है, वाटर तो है अपने पास, लेकिन ये N2O है क्या इधर, नहीं है ना, तो इसको वापस अपन आगे वाली स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में रिएक्ट कराएंगे। अब यहाँ कितने मॉलिक्यूल हो गए, वन, और यहाँ बैलेंस में कितने हाइड्रोजन के, दो, तो एक बच रहा है, तो H2+N2O ये दोनों रिएक्ट होकर क्या बनाएंगे, N2+H2O। अब N2 आ गया, H2O ही आ गया। अब इन तीनों स्टेप को आप ऐड करो, तो जब अपन ऐड करेंगे, ठीक है, तो देखो NO लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड वाले कंपाउंड राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे, तो कैसे करेंगे, NO+NO कितना हुआ, 2NO। N2O2 और N2O2 दोनों हैं लेफ्ट और राइट में, तो कट गए, कैंसिल हो गए। इसी तरह से N2O और N2O ये दोनों भी कैंसिल हो गए, और ये दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे, ऐड होकर H2+H2 2H2। अब प्रोडक्ट में क्या बचा, एक तो ये बच गया N2, एक H2O ये रहा और एक H2O ये रहा, तो कितने आ गए, 2H2, ठीक है सर। अब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गई। अब इसमें देखो द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप इन द मैकेनिज्म इज 2, तो तीन से ज़्यादा तो नहीं है ना किसी में भी, तीन से ज़्यादा किसी में दिख रही है आपको, जैसे यहाँ दिख रही है, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड है और ये डिफरेंट स्टेप में होगी। अब किसी भी स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी बियॉन्ड 3 नहीं हो सकती, तो इसमें कितनी है, फर्स्ट में भी 2 है, सेकेंड में भी 2 ही मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहे हैं और थर्ड में भी हो रहे हैं, कभी एक भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। ये तो इस एग्जाम्पल में तीनों स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2। सो दैट वी से दैट द रिएक्शन टेक्स इन द सिक्वेंस ऑफ 3 स्टेप्स ईच ऑफ विच इज बाई मॉलिक्यूलर। तो ये तीनों स्टेप कौन सी हो गई, बाई मॉलिक्यूलर। अब इसके बाद एक टर्म है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये देखो द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शोइंग द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नॉन एज रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन क्या होता है,
वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करे, तो वो एक्सप्रेशन जो होगा वो रेट लॉ होगा। इसको और समझते हैं, रिएक्शन एंड सम ऑफ द पावर, तो क्या होता है इन रेट एक्सप्रेशन ऑफ द रिएक्शन एंड सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अपीयरिंग इन द रेट लॉ। जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन होगा उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म होगी उनकी जो पावर होगी उनका सम जो होगा उससे अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझ में आएगी बात, फॉर एग्जाम्पल। पर यहाँ एक बात और ध्यान दे लो कि जो रेट एक्सप्रेशन होता है या रेट लॉ एक्सप्रेशन जिसे अपन बोलते हैं वो एक्सपेरिमेंटल होता है हमेशा, जिसे ट्रू रेट बोलते हैं अपन, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व करके रेट निकाली जाती है जिसे सही रेट मानते हैं अपन, वो ऑब्जर्व ही मानेंगे। तो देखो जैसे ये रिएक्शन है 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2, ठीक है। अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो कितनी है, 2, क्योंकि दो मॉलिक्यूल N2O5 के रिएक्ट हो रहे हैं। लेकिन जो इसका एक्सपेरिमेंटल रेट है, जो ट्रू रेट है ऑब्जर्व करके निकाली गई है, ये अपने को निकालनी नहीं है, ये गिवन है अभी यहाँ। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, तो यहाँ इसकी पावर कितनी है, 1, जबकि मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि रेट तो N2O5 की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी सिंगल पावर के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, 1। अभी अगर मान लो यहाँ 2 होता तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाता। ऐसा भी होता है कई बार कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन चेक करके देखना पड़ता है एक्सपेरिमेंटली कि भाई वो अगर है तो वही आ जाएगा, और नहीं है तो जो भी आएगी उसकी पावर वो अपने को यहाँ लिखनी है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है 2NO2 गिव्स N2O2 प्लस O2, तो मॉलिक्यूलरिटी तो हो गई 2, लेकिन इसकी जो रेट है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की क्या आ रही है, NO2 कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के आ रही है ना, तो इसका मतलब यहाँ मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों सेम है, तो वो हो सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 2 हो गया। अब एग्जाम्पल और है, देखो NCERT में दे रखा है अपने को, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन। एक रेट दे रखी है, रेट इज इक्वल टू के, अब वो प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर यहाँ क्या है, के क्या है, रेट कांस्टेंट, जो मैंने बताया था रेट कांस्टेंट, कब, जब कॉन्सेंट्रेशन 1 रह जाए। तो देखो रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर कितनी आ गई, 1/2, और बी कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी है, 3/2। दूसरे में क्या दे रखा है, ए का कितना दे रखा है, 3/2, और बी की क्या है, -1। एक्सपेरिमेंटल रेट है ये, तो फर्स्ट केस में देखो रेट क्या होगी, के ए टू द पावर एक्स और बी वाई, तो एक्स प्लस वाई क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो 3/2 प्लस 1/2 कितना हुआ, 2। तो फर्स्ट केस में तो कौन सा ऑर्डर हो गया, सेकेंड में क्या है, के का तो है 3/2 और बी का क्या है, -1, तो दोनों का सम करोगे तो 3/2 प्लस -1 तो कितना आ गया, हाफ, तो ये कौन सा हो गया, हाफ ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0-0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। सम अदर एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो, देखो ये भी NCERT में अपने बुक में दे रखे हैं, रिएक्शन है CHCl3 प्लस Cl2 गिव CCl4 प्लस HCl, और इसकी रेट क्या है, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 इंटू Cl2 टू दी पावर कितनी है, पावर कितनी है, 1/2, तो यहाँ कितना है, 1, जब किसी पे कोई पावर नहीं है तो उसकी पावर कितनी मानी जाएगी, 1, और ये कितनी है, 1/2, तो दोनों का टोटल कितना हो गया, 1.5 कितना हो गया, 3/2। इसका रेट, ये जो रिएक्शन है देखो, इथाइल एसीटेट प्लस वाटर, एसिटिक एसिड प्लस एथेनॉल, तो इसके जो एक्सपेरिमेंटल रेट है वो क्या है, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट इंटू वाटर की पावर कितनी दे रखी है, कॉन्सेंट्रेशन की 0, तो जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो एक तरह से इसकी जो रेट है वो केवल इथाइल एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंड कर रही है, इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही,
और ये सही बात भी है, अब चाहे आप इसके अंदर एक गिलास पानी और मिला दो तब भी रेट वही रहेगी, तो इसका मतलब सही रेट क्या हो गई इसकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। तो इसकी पावर कितनी है, 1, और इसकी कितनी होगी, 0, तो टोटल क्या आ गया, 1। तो ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये कितना हो गया 3/2 ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें देखो क्या लिखा है, इन दीज रिएक्शन द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर नॉट द सेम एज देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये तो ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, लेकिन इसका, सॉरी गलत बोला मैंने, इसकी मोलिकुलरिटी 2 है, इसका भी मोलिकुलरिटी 2 है, लेकिन इसका ऑर्डर 2 नहीं है, कितना है, 1.5 है, 3/2, और इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 1 है। तो ये यही बात बता रहा है कि जो कोफिशिएंट लिखे हुए हैं वो नहीं है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दस वी कैन से दैट रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्ट बाय मेयरली लुकिंग एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन थ्योरेटिकली बट मस्ट बी, इट इज थ्योरेटिकली बट मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। कहने का मतलब इनके कोफिशिएंट को देखकर आप रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। ओके।